प्लेइंग होम एट होम इन फ्रंट ऑफ द क्राउड और अपने लोगों के सामने 1.6 बिलियन आप हैं, पूरा सबकॉन्टिनेंट मिला के 2 बिलियन ये लोग बन जाता है, पता नहीं ब्रॉडकास्टिंग दुनिया में कहां कहां जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारा प्रेशर इज ऑल इन इंडिया, नॉट ऑन अस। We do better, we become... Assalamualaikum दोस्तों, शहब अख्तर का आपने एनालिसिस सुना। हरभजन सिंह के एनालिसिस में बहुत ज्यादा म्यूजिक है, इसलिए हमने आपको नहीं सुनाया क्योंकि वो आपको समझ आने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो ली गई है वो स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल से ली गई है, विक्रांत गुप्ता का जो चैनल है उससे हमने ये वीडियो आपको लेकर सुनाई है। दोस्तों आपको बता दूं, शहब अख्तर ने एक ही बात की है, पाकिस्तान की पेस बैटरी और भारत पर बहुत ज्यादा हावी है। नसीम शाह दोस्तों, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी ये भारत की कमर तोड़ने का दम रखते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट बैटरी से माल दिखे कि भारत के रोज बरोज कोई ना कोई प्लेयर इंजर होकर मैच से बाहर होकर अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी इन पेस बैटरी के खिलाफ खेले तो बहुत बुरा होगा। केएल राहुल जो सबसे बड़ी पनौती माना जाता है पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों, उसे लेकर वापस आ गए हैं और कहते हैं कि ईशान किशन जिसने पिछले मैच में अच्छा स्कोर बनाया था उसके ऊपर अब उसे खिलाने की तैयारी हो रही है और ये भारत के लिए बहुत बुरा होने वाला है। आप खुद सोचे कि उस दिन पाकिस्तान ने स्पिनर लगा दिए तो कुछ ना कुछ रन बन गए, स्पिनर को भी पाकिस्तान ने फहीम अशरफ से बदल दिया है तो अब तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और शहब अख्तर ने भारतीय टीम की लताड़ लगाते हुए कहा है कि हर वक्त इंजर हो जाते हैं, कभी इनका शोल्डर गुम हो जाता है, कभी इनका घुटना खराब हो जाता है और दोस्तों हमेशा कोई ना कोई बहाने इनके लगे रहते हैं। मुश्ताक सुकलैन और शहब अख्तर के मुताबिक ही आजकल पाकिस्तान प्लेयर और भारतीय प्लेयर्स में जो दोस्ती दिख रही है उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की पेस बैटरी है। मुश्ताक सुकलैन ये कहते हैं कि हम भी ऐसा ही करते थे और भारतीय प्लेयर हमारे पास आकर ये कहते थे कि यार हमारी इज्जत का ख्याल रख देना, कुछ ना कुछ हमें खेलने दे देना। यही बात है कि पाकिस्तान प्लेयर के पास भारतीय प्लेयर आते हैं लेकिन गौतम गंभीर कहते हैं कि वहां पर ना जाओ, वो जाते हैं और कहते हैं कि यार थोड़ा बहुत खेल देना। इसलिए शाहीन शाह आफरीदी ने रोहित शर्मा को थोड़ा बहुत खेलने दे दिया था लेकिन बाद में जाकर उसकी विकेट ले ली। लेकिन यही बात थी कि दोस्तों विराट कोहली को भी खेलने दे देते लेकिन विराट कोहली ने गलत शॉट खेला और एज पर वो आउट हो गए। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा।